बुरहानपुर जिले में कई विभागों के महिला पुरुष कर्मचारी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं और ऐसे में आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर महासंघ के तत्वावधान में सभी आशाएं धरने पर हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को जो इंसेंटिव मिल रहा है वह भी आधा मिल रहा है, बल्कि हमारी मांग तो यह है कि इंसेंटिव सिस्टम समाप्त कर मानदेय प्रारंभ किया जाए। वहीं अस्पताल में रोजाना आने वाले जो मरीज हैं, जो उन्हें निजात नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर मानदेय के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है सभी आशा कार्यकर्ताओं को। हम लोग को हमारी मांगों को लेकर यहाँ हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। कितने दिन से हड़ताल है? एक ही दिवस की है। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमें मानदेय हमारा बढ़ाया जाए, हमें नियमित घोषित किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा अगला अनिश्चित हड़ताल पे बैठेंगे हम। हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमारी आशा बहनें जो रात दिन 24 घंटे जो ड्यूटी करती हैं, उन्हें उनका इन्हें हर चीज का इंसेंटिव आधार मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सभी बहनें को एक नियमितीकरण एक मानदेय दिया जाए, जिसके लिए हमारी बहनें और हम आशा सुपरवाइजर हैं।